हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गवर इरसर का विवाह संपन्न, गणगौर की सवारी निकाल दी विदाई। गणगौर पर्व जो हमारे आशीर्वाद से लेकर रिश्तों और खुशियों से जुड़ा है, इसीलिए कहते हैं कि राधा जेड़ो भाग वे, गवर जेड़ो सुहाग। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को रानीवाड़ा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अमर सुहाग के लिए कुंवारी और सुहागिन महिलाएं इसे पूजती हैं। तुदार से लेकर मेवाड़ तक माँ गौरी और भगवान शिव के घर घर में पूजा होती है। महिलाएं सोलह श्रृंगार कर माटी के इरसर और गणगौर से वरदान मांगती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था, इसीलिए इसे सौभाग्यवती तीज भी कहते हैं। गणगौर का पर्व सोमवार को माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने रानीवाड़ा में हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया। भीषण गर्मी के बावजूद शहर के हर गली मोहल्ले में गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं व युवतियों की चहल पहल कदमी दिखाई दी तथा जगह जगह गणगौर के गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। अविवाहित कन्याओं की ओर से अच्छा वर पाने और नवविवाहिताओं की ओर से सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना को लेकर गणगौर पर्व पर घरों में व्यंजन बनाए गए। नवविवाहित लड़कियों ने भी अपनी शादी के बाद पहले गणगौर मनाने अपने पीहर पहुंची। राजस्थानी परिधानों में लिपटी नवविवाहिताओं ने अपनी सखियों के साथ शहर में ढोल नगाड़ों के साथ नगर परिक्रमा निकाली। इस पर्व पर क्षेत्र में गणगौर का उद्यापन करने वाली महिलाओं की खासी चहल पहल रही। संस्कृति से जुड़े इस पर्व पर महिलाओं ने शिव पार्वती विवाह के रूप में धूमधाम से मनाया। सोमवार को गणगौर के महोत्सव को लेकर कलश यात्रा महेश्वरी समाज के न्याति नोहरे से शुरू कर कस्बे के इंदिरा कॉलोनी, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति रोड सहित मुख्य मार्गों से निकाली गई। गणगौर कलश यात्रा में महिलाओं, नवविवाहिताओं सहित बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाएं सिर पर कलश धारण कर ढोल की थाप पर मंगल गीत गाते हुए छा रही थी। मार्गों पर महेश्वरी समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर पेयजल व शीतल पेय की व्यवस्था की गई। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने सुहाग के दीर्घायु व मनचाहा वर के लिए कामना की। युवतियों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य भी किया और गणगौर मनाने में व्यस्त रही। अविवाहित युवतियाँ अच्छा वर पाने तथा विवाहिता युवतियाँ सुख समृद्धि की कामना को लेकर गणगौर मनाती हैं। रानीवाड़ा शहर में विसर्जन का कार्यक्रम मुख्य रूप से हुआ। दिन भर गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं व युवतियों की चहल कदमी दिखाई दी तथा गणगौर के गीतों की गूंज रही। राजस्थानी परिधानों में लिपटी नव विवाहिताएं अपनी सखियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ इरसर गणगौर की सवारियों में शामिल हुई। गणगौर मनाने के लिए मुख्य सामग्री धूप का संग्रहण किया। घरों में बनाई गई मिट्टी के इरसर गणगौर बनाकर उनमें हरी धूप, पुष्प व श्रृंगार सामग्री से सजाया गया। गणगौर की पूजा अर्चना के बाद शाम के समय एवं सूर्यास्त पूर्व गणगौर की विदाई की गई। कस्बे के माहेश्वरी समाज के न्याति नोहरे से निकाली गई इरसर गणगौर की सवारी का शुभारंभ किया। यह यात्रा सब्जी मंडी, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, खेल मैदान होती हुई पुराना बाजार पहुंची, जहां गौरी व इरसर पूजा के साथ कलश यात्रा का समापन हुआ। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।